भारत की सबसे बूढ़ी ट्रेनों को जानिए। 150 साल से पटरी पर दौड़ रही हैं ट्रेनें। इन ट्रेनों की खासियत कर देगी हैरान। एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत है। दुनिया की बात करें तो इसमें हमारा नंबर चौथा आता है। देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान है, और ऐसा नहीं कि ये कोई नया रिकॉर्ड है, बल्कि भारतीय रेल का इतिहास काफी पुराना है। भारत में कई ट्रेन तो ऐसी हैं जो 150 साल से भी ज्यादा वक्त से पटरियों पर दौड़ रही हैं। वंदे भारत नई टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन उस समय के दौर की ट्रेनें कुछ और ही हुआ करती थी। उनकी खासियत के चलते लोग आज भी उनकी तारीफ कर देते हैं। तो कई ट्रेन ऐसी हैं जो 100 साल से भी ज्यादा समय से भारतीय रेल में अहम योगदान दे रही हैं। आज एक एक करके हम आपको ऐसी ही कुछ ट्रेनों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी ट्रेन की, जिसका नाम है पंजाब मेल। पंजाब मेल ट्रेन की शुरुआत 1 जून 1912 को हुई थी। ये ट्रेन आज भी पटरी पर फर्राटे भर रही है। हालांकि कोरोना के चलते जब लॉकडाउन लगाया गया, तब इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। ये ट्रेन भारतीय रेलवे की सबसे बुजुर्ग ट्रेन है। ये ट्रेन आज भी 110 किलोमीटर की चाल से चलती है। इस ट्रेन की शुरुआत उस दौर में हुई थी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय ये मुंबई के बंदरगाह पर स्थित बलार्ड पायर मोल स्टेशन से पेशावर के बीच चलती थी। तब ये अकेली ट्रेन थी जो पेशावर से लोगों को मुंबई तक पहुंचाती थी। तब इस ट्रेन को पंजाब लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। मुंबई से पेशावर तक की दूरी 2496 किलोमीटर की 47 घंटे में तय करती थी ये ट्रेन। इस ट्रेन में 6 डिब्बे थे। इसमें 3 डिब्बों में 96 पैसेंजर बैठते थे। आज ये ट्रेन इटारसी, आगरा, दिल्ली, अमृतसर और लाहौर से गुजरती है और फिर छावनी में जाकर रुकती है। पंजाब मेल सेंट्रल रेलवे जोन में आती है और मुंबई साथ ही फिरोजपुर के बीच दौड़ती है। अब बात फ्रंटियर मेल की, जो 1 सितंबर 1928 से चली थी। ये ट्रेन भारत के विभाजन के वक्त मौजूद थी। पंजाब मेल शुरू होने के 16 साल बाद इस ट्रेन को चलाया गया था। स्वतंत्रता के बाद ये केवल मुंबई से दिल्ली होते हुए अमृतसर जाती थी। सितंबर 1996 में फ्रंटियर मेल का नाम बदलकर गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस कर दिया गया। भारत की पहली ऐसी कोच वाली ट्रेन यही थी। जीटी एक्सप्रेस या ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस भी देश की सबसे पुरानी ट्रेन कहलाती है। पहले ये ट्रेन पेशावर से मंगलौर तक जाती थी, जिसमें करीब 104 घंटे लगते थे। ये देश के सबसे लंबे रास्तों में आती है। बाद में इसकी सर्विस को लाहौर मेट्टुपलायम तक बढ़ा दिया गया। बॉम्बे पुणे मेल को मुंबई और पुणे के बीच की पहली इंटरसिटी ट्रेन थी। ये ट्रेन डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस के साथ मिलकर कई सालों तक मुंबई पुणे यात्रियों के लिए चली थी। कालका मेल भी भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे पुरानी ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन 150 सालों से चल रही है। ये ट्रेन 1886 में 1 अप और 2 डाउन नंबर प्लेट के साथ ईस्ट इंडियन रेलवे मेल के नाम से पटरी पर दौड़ना शुरू हुई थी। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।